हाय एवरीवन, वेलकम टू जी क्रिएटिव जनरेशन। आज हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन या कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेयर। बच्चों को सिखाने के लिए कैसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेयर, मतलब चीज़ों को कंपेयर करना कैसे सिखाएं वर्कशीट के थ्रू। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए हम वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिगर स्मॉलर का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, वो भी हम क्या करना है, हमें टिक और क्रॉस करवाने हैं। जो बिगर है उन पे टिक और जो स्मॉलर है उन पे क्रॉस। तो ये बैलून बने हैं, इनमें से कौन सा, बच्चे से पूछेंगे इसमें कौन सा बड़ा लग रहा है आपको, इसमें से कौन सा बड़ा है देखने में। देखो ये वाला बड़ा है, तो जो बड़ा है उस पर हम करेंगे टिक और जो छोटा है उस पर करेंगे क्रॉस। अब ये पता कैसे चलेगा कि बड़ा है छोटा है? देखो ये दोनों लॉग हैं, मतलब लकड़ी के पीसेस है, देखने में ही एक बड़ा लग रहा है और एक छोटा लग रहा है। ऐसे ही एलिफेंट है, एलिफेंट बड़ा होता है वैसे भी जब हमने देखा है टीवी वगैरह में, और ये माउस जो है ये छोटा होता है। ऐसे फिशेज है, देखने में ये दोनों एक बड़ी फिश है एक छोटी फिश है। तो ये हो गया बिगर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट। जैसे कुछ चीज़ें बड़ी होती हैं और सेम ही दिखने वाली चीज़ें छोटी होती है, या ऐसे भी बता सकते हैं जैसे मम्मी पापा बड़े हैं बच्चे छोटे हैं, ठीक है। और टॉलर और शॉर्टर मतलब लंबा और छोटा, जो चीज़ लेंथ में बड़ी है उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक बिल्डिंग है, ये दो बिल्डिंग है, इनमें से कौन सी लंबी है कौन सी टॉलर है। वैसे तो हम लोग देखेंगे तो ज़रा में पता चल जाएगा कि ये लंबी है ये छोटी है ये टॉलर है शॉर्टर है। तो बच्चों से पूछेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो बच्चे इसको ही बताएंगे और इसको शॉर्ट बताएंगे। उनकी वाटर बॉटल, ठीक है, घर में और भी वाटर बॉटल होंगी उनसे आप कंपेयर करवा सकते हैं, और ऐसे पिक्चर ड्रॉ करके भी कंपेयर करा सकते हैं। देखो ये वाली वाटर बॉटल टॉल है और ये शॉर्ट है, ठीक है। ऐसे ही मैच स्टिक लिए, मैंने एक पूरी मैच स्टिक ली है, उसको हमने जलाया है या पिक्चर बनाई है, तो इसमें से ये टॉल लग रही है मतलब ये बड़ी है, तो ये हो गई टॉल, और ये छोटी देखने में लग रही है तो ये हो गई शॉर्ट। इसी टाइप से आप और भी पिक्चर बना सकते हैं, जैसे देखो मैंने ये कोकोनट ट्री लिया है, एक टॉल और शॉर्ट, देखने में लंबा लग रहा है वो टॉल और ये शॉर्ट, तो टॉल और शॉर्टर शॉर्ट भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे लॉन्गर और शॉर्टर, मीन्स लेंथ वाइज कौन बड़ा है, हॉरिजॉन्टली किस चीज़ में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे पेन है, कुछ पेन लंबे होते हैं कुछ छोटे होते हैं, मीन्स कुछ लॉन्गर होते हैं और कुछ शॉर्टर होते हैं, तो लॉन्ग वाले पे टिक और शॉर्ट वाले पे क्रॉस। ऐसे ही ये शिप है, तो इसमें क्या है, हम लॉन्ग वाले पे टिक करेंगे शॉर्ट वाले पे क्रॉस। ऐसे ये बोर्ड है जो स्कूल में होता है, ग्रीन बोर्ड है एक वाइट बोर्ड है, कौन सा वाला है, ये ग्रीन वाला लॉन्ग है और ये शॉर्ट है। अब ये देखो दो ये बने हुए हैं फावड़े कहते हैं, जैसे जिनको लोकल लैंग्वेज में बच्चों की लैंग्वेज के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, डिगर भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे हैवी और लाइटर। अब एक बैग है ये बिल्कुल खाली है, ठीक है, इसमें सिर्फ एयर है। एक बैग है इसमें सीड्स हैं बीज हैं, इनमें कौन सा वाला हैवी होगा, भारी कौन सा होगा, आप बताइए। कि जो खाली है वो है हल्का मींस लाइट, और जो जिसमें सामान है सीड है वो क्या है, वो हैवी है। ऐसे ही अब आप बच्चों से पूछिए कि इन दोनों जो ये बने हुए हैं कछुए, इनमें कौन सा वाला हैवी है कौन सा लाइट है, ठीक है। आप ऐसे कैटल की एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो जिसमें हम चाय पीते हैं चाय निकालते हैं, तो वो जिसमें टी रखते हैं, तो वो जब बहुत सारी टी एक कप में डाली जाती है तो कौन सी वाला ज़्यादा होता है, टी जिसमें है वही ज़्यादा होगा ना, इसका मतलब ये हैवी होगा। और कप क्या होगा, जब कप उठाएंगे तो हल्का होगा, तो इसलिए वो लाइट होगा। अब ये एक डॉगी है और ये किटन है, इन दोनों में से कौन सा वाला हैवी होगा, देखने में ही लग रहा है अगर डॉग बड़ा है तो इसको ज़्यादा भारी होगा और किटन हल्की होगी, ठीक है। ये हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं हम थिकर और थिनर वाला, मीन्स मोटा और पतला, ठीक है। मोटा क्या है, ये देखो ब्रश है, इसके ब्रिस्टल्स ब्रश ये जो लगे हुए हैं ये मोटा है देखने में लग रहा है, अब ये पतला, एक पतला ब्रश है एक मोटा ब्रश है, तो मोटे वाले ब्रश पे मीन्स थिकर वाले ब्रश पे हम टिक करेंगे, और ये जो पतला वाला है इस पर हम थिन वाला है तो इस पर
क्रॉस करेंगे। अब फिशेज़ है, एक बड़ी सी वेल बनी हुई है, तो ये बड़ी है देखने में ही लग रही है और ये छोटी है। ऐसे ही नाइफ है, हमारे घर में नाइफ होते हैं, कुछ बड़े होते हैं छोटे होते हैं, तो वो भी आप दिखा सकते हैं बच्चों को कि ये थिक है, मतलब इनके एजेस चौड़े हैं, थिकर हैं और इनके शार्प हैं, ये थिन हैं। अब कैंडल भी ऐसी है, ये वाली कैंडल थिन है तो क्रॉस कर देंगे, ये वाली थिक है तो इसे टिक कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हम आ गए नियर और फार पर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास है वो तो हमारे नियर हैं, जो चीज़ हमसे दूर हैं वो हमसे फार है, मतलब दूर है। अब ऐसे एक और पहचान भी है, जो हमें दिख रही है चीज़ अपने पास दिख रही है वो तो हो गई नियर, जो हमें छोटी दिख रही है वो हमसे दूर है, भले ही वो पास आके बड़ी हो जाए या उसी के बराबर हो जाए। तो ये कुछ एग्जाम्पल, जैसे ये एक वो बना है कॉक, तो ये हमारे पास है और ये बैलून छोटा सा दिख रहा है, मतलब ये दूर होगा हमसे तो ये फार है। ऐसे ही ये शिप है, दोनों साइज में सेम है बट ये क्या है, डिस्टेंस इनका है, फार है, ये वाली देखो नियर है और ये हमसे फार है। ऐसे ही कार है, ये दोनों एक सेम साइज़ की है बट वो बहुत दूर है और ये हमारे पास है, तो इसमें हमें टिक करेंगे, उस वाले में क्रॉस, ठीक है। अब ऐसे ही ये कैमल बना है और ये बुफेलो बनी है, कैमल पे हम करेंगे टिक क्योंकि ये पास है, बुफेलो हमसे दूर है तो उसे कर देंगे क्रॉस। अब हायर और लोअर, मतलब हाइट पे कौन है, हाई पे कौन है और लोअर मतलब नीचे कौन है। देखो ये है एक इंसेक्ट, ठीक है, तो ये क्या है, हमसे हमसे नहीं मतलब ऊंचा है, ऊपर है, हाइट पर है, हायर है, तो इस पर टिक। और ये फ्रॉग है नीचे, इससे नीचे, तो ये इस पर क्रॉस। अब स्नेक ऊपर है और ये बर्ड नीचे, स्नेक ऊपर है तो इस पर क्या करेंगे, टिक करेंगे, और बर्ड नीचे है तो इस पर क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही बलून है, ये बलून ऊपर है और ये ट्री नीचे है, तो बलून पे क्या करेंगे, हम टिक करेंगे और इस पर क्या करेंगे, हम क्रॉस करेंगे। ऐसे ही यहाँ ये शिप बनी है और एक एरोप्लेन है, तो शिप पर हम क्या करेंगे, टिक, और इस पर क्या करेंगे, हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि हम है तो साइज़ में बड़ा उससे, लेकिन ये दूर है, दूर दिख रहा है हमें, ठीक है। हमसे जो चीज़ हमारे पास है वो हम अपने अकॉर्डिंग हमेशा फिल करेंगे, ठीक है। एम्प्टी और फुल मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी दो सेम दिखने वाली चीज़ें बट उनमें कुछ किसी में समान है किसी में नहीं है, मतलब ये फ्लावर हैं, अब दोनों पॉट सेम हैं बट इसमें फ्लावर हैं और इस वाले में फ्लावर नहीं है, तो हम बच्चों को कैसे बताएंगे, देखो इसमें फ्लावर लगा है तो मतलब ये फुल है और ये इसमें कुछ नहीं है तो मतलब ये एम्प्टी है, तो इस फुल वाले पे टिक और एम्प्टी वाले पे क्रॉस। ऐसे ही ये देखो, ये एक जेम्स की बॉटल है, इसमें जेम्स भरे हुए हैं तो ये फुल है क्योंकि इसमें बहुत सारे जेम्स हैं, और इसमें एक भी नहीं है तो ये खाली है, मीन्स एम्प्टी है। अब ये ग्लास है और इसमें है लेमनेडो और इसमें लगा हुआ है लेमन भी, इसलिए ये है फुल और ये इसमें कुछ नहीं है तो ये है क्रॉस। अब ऐसे ही हमने देख लिया एम्प्टी फुल वाला कॉन्सेप्ट, पूरा हाई लोअर वाला, इसी के साथ हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए या इससे रिलेटेड आपको और वीडियो चाहिए इस वर्कशीट से रिलेटेड या ऐसी टाइप के, तो आपको वो वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।